नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में मतदान कल, 93 उम्मीदवार अजमा रहे हैं भाग्य। देश के छठे और झारखंड के तीसरे चरण की 4 लोकसभा सीटों यानी कि रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह के लिए 25 मई को मतदान होगा। गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में गुरुवार से ही यानी कि 23 मई की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया। चारों सीटों के लिए शनिवार की सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इस चरण में कुल 82,16,506 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सबसे ज्यादा 22,85,237 मतदाता धनबाद लोकसभा क्षेत्र में हैं, वहीं रांची में 21,97,331, जमशेदपुर में 18,69,278 व गिरिडीह में 18,64,660 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए धनबाद में 2,539, रांची में 2,377, गिरिडीह में 2,160 और जमशेदपुर में 1,887 बूथ यानी कि कुल 8,963 बूथ का प्रयोग किया जाएगा। मतदान के लिए 17,926 बैलेट यूनिट और 8,963 वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। झारखंड में तीसरे चरण के चुनाव में कुल 93 प्रत्याशी चुनाव दंगल में है। सबसे अधिक 27 उम्मीदवार रांची लोकसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत अजमा रहे हैं। जमशेद और धनबाद में 25-25 प्रत्याशी और गिरिडीह में 16 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आप सबको बता दें कि छठे चरण में 7 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव होंगे। अमित शाह और मल्लिकार्जुन खड़गे आज झारखंड में संथाल परगना में वोटिंग से पहले पक्ष विपक्ष की कारपेट बॉम्बिंग। झारखंड में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में संथाल परगना में पक्ष विपक्ष के स्टार प्रचारकों की कारपेट बॉम्बिंग शुरू हो गई है। पार्टियां अब संथाल परगना में ताकत झोंक रही है। पार्टी के आला नेता संथाल परगना पहुँच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 24 मई को गोड्डा से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे और दुमका से भाजपा के प्रत्याशी सीतासरन के पक्ष में जामताड़ा और मधुपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जमताड़ा में जनसभा का आयोजन दोपहर 3 बजे जिले के मेझिया मैदान दुर्गा मंदिर में किया गया है। वहीं शाम 4 बजे गोड्डा लोकसभा के मधुपुर स्थित रेलवे फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। श्री शाह के साथ झारखंड के कई नेता भी मौजूद रहेंगे। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी देवघर पहुँच रहे हैं। वह दिल्ली से सीधे देवघर आएंगे। देवघर के मोहनपुर में वह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस चुनावी सभा को सफल बनाने में जुटी हुई है। वहीं मोहनपुर की सभा में खड़गे के साथ झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, झामुमो के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन और राजद से बिहार के डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। ये सभी INDIA प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सभा मोहनपुर हाईस्कूल मैदान में दोपहर 2 बजे से होगी। भाजपा के कई दिग्गज नेता संथाल परगना में कैंप कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव देवघर में कैंप कर रहे हैं। उन्होंने गुरुवार की शाम मेहर गार्डन में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक भी की। वहीं असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा भी लगातार संथाल परगना में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। राजमहल लोकसभा क्षेत्र की कमान बाबूलाल मरांडी स्वयं संभाल रहे हैं। इन नेताओं के अलावा भाजपा के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी सहित कई गद्दावर नेता संथाल परगना में प्रवास कर रहे हैं। इधर झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन शुक्रवार को यानी कि आज 3 सभाओं को संबोधित करेंगी। कल्पना सोरेन साहिबगंज के मंगरू टीकर, पाकुड़ के अमरापाड़ा में विजय हजदा के पक्ष में सभा करेंगी। जेल से ही पूर्व सीएम हेमंत सोरेन गोड्डा चुनाव को कर रहे हैं प्रभावित, डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा। गोड्डा से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गुरुवार को अपनी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबी जेल से ही गोड्डा लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन अभी ईडी की कस्टडी में है, इसलिए उसकी शिकायत ईडी के साथ साथ चुनाव आयोग से भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बुधवार को भाजपा का झंडा लगाने के कारण अत्यंत पिछड़ी जाति के मनीष शाह के साथ मारपीट की गई, उनकी बहन के साथ बदसुलूकी भी की गई, गोली मारने की भी धमकी दी गई। बावजूद मनीष की बहन ने थाने में कहा कि वे लोग भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के लिए काम करते रहेंगे। डॉक्टर निशिकांत ने कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल OBC अत्यंत पिछड़ा और दलित विरोधी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बुधवार को ही देवीपुर प्रखंड के प्राणडीह गांव में पूर्व मुखिया और भाजपा नेत्री विनीता पासवान को पूर्व मंत्री
मंत्री सुरेश पासवान के भांजे ने चप्पल से मारने का प्रयास किया। मामले में प्राथमिकी भी दर्ज हो चुकी है। डॉक्टर दुबे ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके समर्थक हार से पहले ही बौखला गए हैं। डॉक्टर दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम के टेंडर कमीशन खोरी में कई लोग शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि इसमें मंत्री हफीजुल हसन और बादल पत्रलेख की भी संलिप्तता उजागर हुई है। उन्होंने कहा कि पहली बार मैंने देखा कि इतने सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचारियों की पूरी फौज झारखंड में काम कर रही थी। इन लोगों को विधायक और सांसद बनने का कोई औचित्य ही नहीं है। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि गोड्डा में जनसभा के दौरान बहन कल्पना सोरेन ने मुझ पर महिलाओं का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया है, लेकिन कल्पना सोरेन को शायद यह जानकारी नहीं है कि 15 दिनों पहले हेमंत सोरेन पर मुंबई में फिर से प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं दुबे ने कहा कि कल्पना सोरेन को मैं बता दूं कि हो सकता है कि मुझे महिलाओं के प्रति शब्द बोलने में गलती हुई होगी, लेकिन उनके पति की तरह मुझ पर आरोप नहीं लगा है। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि गोड्डा में प्रियंका गांधी ने मुझ पर ताज होटल में एक बिजनेसमैन के साथ पार्टी करने का आरोप लगाया है, साथ ही मुझे बाहरी कहा है। प्रियंका गांधी को यह पता होना चाहिए कि उनकी माँ इटली से आई है, उनके भाई राहुल गांधी कहाँ के रहने वाले हैं और बाहरी के तौर पर वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मैंने ही मुंबई से देश और विदेश की कई जगहों पर अवैध संपत्ति के साथ साथ आर्म्स डीलर संजय भंडारी के साथ कारोबार का मामला सदन में पूरे साक्ष्य के साथ रखा था। इसकी ईडी और सीबीआई जांच चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में लंदन से संजय भंडारी को गिरफ्तार करने के लिए कमेटी बना रहे हैं। जैसे ही संजय भंडारी भारत आते हैं तो उनकी पोल खुल जाएगी। ईडी दफ्तर नहीं आए आईएएस मनीष रंजन, कर्मचारी के हाथों भेजी चिट्ठी। झारखंड के आईएएस अधिकारी मनीष रंजन प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस पर पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। उन्होंने एक कर्मचारी के हाथों चिट्ठी भेजी जिसमें ईडी दफ्तर नहीं आने की वजह बताई गई है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि चिट्ठी में उन्होंने पूछताछ में शामिल नहीं होने की क्या वजह बताई है, लेकिन इतना तय हो गया कि आज यानी कि शुक्रवार यानी कि 24 मई को वह ईडी अधिकारियों के समक्ष हाजिर नहीं होंगे। मनीष रंजन की चिट्ठी लेकर पहुंचे कर्मचारी अनिल कुमार ने कहा कि चिट्ठी में क्या है उसे भी नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि चिट्ठी लेकर ईडी ऑफिस जाने को कहा तो मैं आ गया। वहीं ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर में कमीशन खोरी के मामले में ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करना चाहते हैं, इसलिए 22 मई को उनको नोटिस भेजकर कहा गया था कि 24 मई को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए हिनू स्थित केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित हों। नोटिस में ईडी ने मनीष रंजन से कहा था कि वे अपनी और अपने परिवार की आय और अन्य संपत्तियों का ब्यौरा लेकर पहुंचे, लेकिन मनीष रंजन पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। आप सबको बता दें कि इस मामले में अब तक ईडी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया जा चुका है। आलम के पीएस संजीव लाल और निजी सहायक जहांगीर आलम समेत कई अन्य लोग ईडी की गिरफ्त में आ चुके हैं। मंत्री समेत कई लोग इस मामले में ईडी की हिरासत में है। बोरियो में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गया था युवक, पति ने पीट पीट कर मार डाला। संथाल परगना के साहिबगंज जिला स्थित बोरियो थाना क्षेत्र में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गए युवक की पीट पीट कर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने रानीडी गांव के बाहर सड़क किनारे खेत से पहाड़िया युवक का शव बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक बोरियो थाना क्षेत्र के करिया पहाड़ निवासी 32 वर्षीय मधु पहाड़िया अपनी शादीशुदा प्रेमिका मंगली पहाड़ी से मिलने उसके मायके छोटा बुआरी जोर गया था। मंगली के पति सूर्या पहाड़िया उर्फ जेम्स को इसकी भनक लग गई। इसके बाद सूर्या गुरुवार को यानी कि 23 मई की देर रात अपने ससुराल छोटा बुआरी जोर पहुंच गया। जेम्स ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी मधु को रंगे हाथ धर दबोचा। इसके बाद सूर्या पहाड़िया ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी मधु के साथ जमकर मारपीट की। बाद में गाँव के लोगों की मदद से पंचायत करनी चाहिए, लेकिन ग्रामीणों ने विचार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद आज यानी कि शुक्रवार की सुबह सूर्या अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को अपने साथ अपने गांव गडरा पहाड़ ले जाने लगा। इसी दौरान रानीडी गांव के समीप मधु पहाड़िया की मौत हो गई। बाद में सूर्या ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के शव को सड़क किनारे खेत में छोड़ दिया और खुद बोरियो थाना पहुंच गया। उसने थाने में जाकर पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपित सूर्या पहाड़िया और उसकी पत्नी मंगली पहाड़िन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। घटना के बाद से मधु के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। झारखंड में सामान्य से अधिक होगी बारिश, जाने कैसा रहेगा अगले 15 दिनों का मौसम।
झारखंड में पिछले कई दिनों की बारिश ने लोगों को लू से राहत दी है। आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिन में अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव नहीं होगा, इसके बाद तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अभिषेक आनंद के अनुसार आज यानी कि 24 और 25 मई को झारखंड के उत्तर पूर्वी दक्षिणी तथा मध्य भागों में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होगी। वर्षा हल्के से मध्यम दर्जे की हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस दौरान तेज हवाएं भी चलेगी। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर तक हो सकती है। इतना ही नहीं, गरज और चमक के साथ बारिश के दौरान वज्रपात होने की भी आशंका है। उन्होंने बताया कि इसके बाद 26 और 27 मई को भी आंधी बारिश एवं वज्रपात होने की संभावना है। 26 और 27 मई को आंधी चलेगी। आज यानी कि 24 और 25 मई से ज्यादा तेज हवाएं चलेगी। उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बन रहा है, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात बन रहा है, वह जो है 26 मई की शाम तक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा, जिसकी वजह से झारखंड में भी 27 मई तक गरज और आंधी के साथ बारिश होगी। झारखंड में आप सबको बता दूं कि अगले 15 दिन के मौसम के बारे में मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पहले सप्ताह यानी कि आज से यानी कि 24 से 30 मई के बीच के शुरुआती दौर में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। इस दौरान बिजली चमकेगी, कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत में कुछ जगहों पर भीषण बारिश होने का अनुमान है। इसके बाद के सप्ताह यानी कि 31 मई से 6 जून के बीच में भी कुल मिलाकर पूरे झारखंड में सामान्य से अधिक वर्षा होने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिक ने गर्मी के बारे में बताया कि अगले 15 दिनों की बात करें तो पहले सप्ताह यानी कि आज यानी कि 24 से 30 मई के बीच अधिकतम तापमान सामान्य से कम या सामान्य रहने का अनुमान है। इस दौरान पूरे झारखंड का अधिकतम तापमान जो है 32 से 42 डिग्री के बीच रह सकता है। वहीं इसके अगले सप्ताह यानी कि 30 मई से 6 जून के बीच अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने का अनुमान है। झारखंड में अगले 15 दिन के न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 यानी कि आज से 30 मई के पहले सप्ताह में इसके 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का अनुमान है। यह सामान्य से कम या सामान्य है। दूसरे सप्ताह यानी कि 31 मई से 6 जून के बीच न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से अधिक रह सकता है। इस सप्ताह झारखंड का न्यूनतम तापमान 25 से 29 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि मार्च से मई के बीच अब तक 85 मिलीमीटर वर्षा झारखंड में हुई है, जो इस दौरान होने वाली सामान्य बारिश 65.8 मिलीमीटर से अधिक है। उन्होंने कहा कि इन 3 महीनों में झारखंड के 6 जिलों में बहुत अधिक बारिश हुई, 7 जिलों में अधिक बारिश हुई, 8 जिलों में सामान्य और 3 जिलों में कम बारिश हुई है। वहीं पिछले एक सप्ताह के दौरान हुई बारिश के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि 17 मई से 23 मई के बीच झारखंड के 10 जिलों में बहुत ज्यादा बारिश हुई, 2 जिलों में अत्यधिक, 3 जिलों में सामान्य और 3 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई। 2 ऐसे जिले हैं जहां बहुत कम बारिश हुई, 4 जिलों में बिल्कुल बारिश नहीं हुई। एक सप्ताह में झारखंड में 21.4 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो इस दौरान होने वाली सामान्य बारिश 10.4 मिलीमीटर से 106% अधिक है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।